जी मैं आपके प्रिय फौजिया खान और आप देख रहे हैं फौजिया खान की लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो बनाते बनाते सोचते सोचते कोफ्ते बना के रखे थे। पहले मैंने कोफ्ते पकाए थे, तो कोफ्ते बना के रखे थे। तो ये हैं हमारे पास 6 कोफ्ते हैं, जिसमें मैंने 6 अंडे मंगवाए थे। तो मैं अपनी आपको बताती हूँ, देखिए 6 अंडों में से हमारे से ये रह गए जी 5 अंडे। और ये मैं अंडे का भी बॉइल, तो एक अंडा हमारा शहीद हो गया। 6 अंडे थे, ये देखें ये अंडे शहीद हो गए, यानी एक अंडा शहीद हो गया। और ये कोफ्ते, ये तो हो गए कोफ्ते और अंडे। और मैं बना रही हूँ चने, अंडे, कोफ्ते। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये कोफ्ते दिखाए आपको, और ये मैंने वाइट चने बॉयल कर लिए, तकरीबन एक कली रह गई। ये देखिए जी, मैंने चनों को बॉयल कर दिए है, बॉयल कर है। मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं घर में क्या पका रही हूँ। बस बैठे बैठे सुबह चने भी गो लिए थे, सिर्फ हल्की सी एक कली चने हैं, बाकी मैंने गाल दी, यानी कि गल गए बकायदा। और ये मैं भी आपको बताती हूँ अब क्या होगा इसके अलावा। अब इसको मैंने क्या बना करना है, कोफ्ते रेडी हैं बने हुए, इनको मैं घी में फ्राई करूँगी। अंडे मेरे बॉयल हो रहे हैं, इसमें मुझे चाहिए 1 अदद प्याज, ये देखें 1 अदद प्याज, 2 टमाटर और चॉप किया हुआ धनिया, और ये अदरक थूम हरी मिर्च, ये मैंने छीन कर रखी, इसको पीसूंगी। ये हो गया, इनको भून के इसका मसाला डालूंगी। और उसके अलावा मैंने साथ ही चावल भी भिगो दिए। और ये देखें जी, अब आप कहेंगे चावल क्या, ये चावल मैं बनाऊंगी वाइट तड़के वाले चावल, साथ में हम चावल बनाएंगे और आटा भी गूंदा हुआ है। जिसका दिल करे चावल खाए, चाहे दिल करे रोटी खाए, ठीक हो गया। और ये हमारा आज का खाना था, तो मैंने कहा जगह आपसे शेयर करते, आज कितने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और काफ़ी परेशानी है, बड़ी मुसीबतें हैं हमारे मुल्क पे भी आई हुई, जैसे कि आप लोग जानते हैं सैलाब का रेला हर किसी के घर तबाह करके सिंध में ले गया, बलूचिस्तान में तबाहियाँ उतर गई। क़यामत है, अल्लाह ताला हमें इस क़यामत से बचाए, अल्लाह ताला अपनी गुनाह में रखे, अल्लाह ताला हमसे मान जाए। पता नहीं क्या हमसे गलती हुई, क्या कुतावी हैं जो अल्लाह पाक हमसे लूट गए हैं। तो बहुत महंगाई हो गई। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सैलाब आया, एक तो ये क़यामत है, उसके अलावा यकीन करें ये मैं जो लेके आई हूँ आज, ये जो मैं लेके आई हूँ आज प्याज, यकीन करें 200 रुपये किलो, यकीन करें 200 रुपये किलो प्याज था और 200 रुपये ही किलो टमाटर, इतनी महंगाई हो गई। सोच सोच के फिर मैंने क्या किया, आधा किलो प्याज लिया, आधा किलो मैंने टमाटर लिए, ठीक हो गया। और ये मेरे, मैं गिनने लगी थी, ये देखिए जी, ये मेरी बिल्ली है और ये मेरा कालू बिल्ला है, ये मेरे साथ साथ चलते हैं जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, अभी ये वहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है गाइस, अभी मैं कुर्सी पे बैठूंगी। ये देखिए जी, कालू आ गए, कालू आ जाए, अच्छा कालू बातें करें, ये कालू है, ये देखिए अच्छा, ये गोरू, गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी है ये गोरी, और हमने गोरी रखा हुआ है, इसका मैंने कालू बन रखा है। ये देखिए, ये लड़ते हैं, बड़ा लड़ते हैं, बड़ा खेलते हैं, बड़ा तंग करते हैं मुझे। अब मैं किचन में से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे अंडे बॉयल हो रहे हैं, चीज़ें मेरे मुठी में तैयार है, मैं देखती हूँ कुछ उबल तो या हाँ नहीं, बच बचा हो गया, मैंने समझा पानी उबल गया। और आज फिर मेरे कोफ्ते चनों की हांडी तैयार होगी, फिर आपसे मिलते हैं।